हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम घर पर बनाएंगे कलेजी पनीर घर के मसालों से। तो यहाँ पर हमने आधा किलो पनीर के टुकड़े कर लिए हैं और यहाँ पर हमने डेढ़ लहसुन छीले हैं, चार प्याज मीडियम साइज़ के कट किए हैं और दो टुकड़े अदरक के हमने कट कर लिए हैं और तीन बड़े टमाटर हमने कट कर लिया है। बहुत ही घर के साधारण मसालों में अच्छी सी कलेजी पनीर बताएंगे आपको। तो यहाँ पर हमने पैन चढ़ाया है, पैन में ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम पनीर को तल लेंगे। पनीर को थोड़ा सा ज़्यादा डीप फ्राई तलना है कलेजी पनीर के लिए, क्योंकि बाहर के होटल की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन इतनी स्पाइसी रहती है कि बिल्कुल दूसरे टाइम तो बिल्कुल पेट में जलन होने लगती है। तो हम घर पर इस साधारण मसालों से हम बताएँगे कि आप घर में कैसे बनाइए कलेजी पनीर। तो यहाँ हमने पनीर को फ्राई करके निकाल लिया है। बचे हुए ऑयल में हमने जो कट करके प्याज रखी थी, अब हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज कायदे से सुनहरी ना हो जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए, अब हमारी प्याज सुनहरी हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद जो मेरे लहसुन और अदरक के टुकड़े थे उसको हम फ्राई करेंगे इसी तरीके से जैसे प्याज फ्राई किए हैं। इसको भी फ्राई होने के बाद हम निकाल लेंगे और जब तक ये ठंडा होगा तब तक जो हमने टमाटर कट करके रखा था उसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है और यहाँ पर हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। टमाटर हमने पीस लिया है और ये मसाला जीरा, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और छड़ीला है। तो अब ये मसाला हम पीस लेंगे। दालचीनी है, तो अब जो हमारे खड़े मसाले निकाले हैं इससे हम तड़का देंगे ऑयल में। थोड़ा सा कैमरा हमारा बार बार घूम जा रहा है, एक आध दो कॉल आ गई थी तो इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिएगा। तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला। इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स करके चला देंगे और इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। देखिए, हमारा मसाला भुन रहा था और इसमें जो हमने प्याज लहसुन वगैरह पीसा था हम इसको डाल देंगे। डालकर अच्छे से भून लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ना बहुत स्पाइसी होती ना बहुत ऑयली होती है। और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। बिल्कुल ये कहेंगे बिल्कुल टेस्ट तो बाहर का आता है लेकिन मसाला और ऑयल कम रहता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसमें हम मिलाएंगे पानी, झटपट बन जाती है, बहुत आसान है। तो इसे हम बाहर की नहीं घर की कलेजी पनीर बोल सकते हैं। मैं एक बार और भी बना चुकी हूँ, जब कोई चीज़ टेस्टी बनती है तभी मैं दोबारा वीडियो बनाती हूँ। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ, पता चले कोई चीज़ अच्छी हो ना हो। आप लोग देख के बनाइए तो मुझे कहिए कि बेकार चीज़ बनाई है, इसलिए मैं पहले खुद बनाती हूँ, बट ट्राई करती हूँ। जब लगता है कि हाँ ये इसकी तो वीडियो डालनी चाहिए थी, फिर जब कभी 10-15 दिन या एक महीने बाद जब वो चीज़ अगर रिपीट होती है तो मैं उसकी फिर वीडियो बना लेती हूँ कि हाँ इसको मैं डालूँगी। तो हमारी जो फ्राई हुई पनीर थी इसको हम डाल देंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए कितनी बढ़िया, मतलब जब भी आप पनीर डालिएगा तो पानी कम डालिएगा जिससे ग्रेवी में एकदम पनीर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल लग रही है ना कढ़ाई पनीर। थैंक यू।